So today we are going to do the story The Pedestrian, Ray Bradbury. Okay, and treasure chest का story है. अच्छा, story को करने के पहले आप लोग देखना, आप लोग के treasure chest का पेज नंबर 159, इसमें थोड़ा सा स्टोरी के बारे में इंट्रोडक्शन दिया हुआ है. ओके, उसको थोड़ा सा पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है. द पेडेस्ट्रियन सेट इन डिस्टोपियन फ्यूचर. ओके, तो डिस्टोपियन बेसिकली मतलब होता है इमेजिन्ड. ठीक है, जब हम लोग ऐसा कोई फ्यूचर को इमेजिन कर रहे हैं कि इस तरह से हमारा वर्ल्ड होने वाला है. ओपन्स वेयर इवन गोइंग फॉर अ वॉक इज सीन एज एन एबरेशन. गोइंग फॉर अ वॉक माने अगर एक आदमी वॉक के लिए भी जा रहा है तो उसको ऐसा लगता है कि दिस इज नॉट कॉमन, ये समथिंग अनकॉमन काम कर रहा है. माने वॉक पे जाना भी नॉर्मल नहीं है. ओके, नीड इज पिक्ड अप, क्वेश्चन एंड सेंट ऑफ टू एन असाइलम. अब उसको पकड़ के पुलिस वाले जो होते हैं वो लोग उसको असाइलम में डालते हैं. असाइलम इज बेसिकली अ हॉस्पिटल फॉर मेंटली इल पीपल. ठीक है, क्या उसका उसका गुनाह क्या था, उसकी उसका क्या गलती था कि वो रात को वॉक पे जा रहा था. ठीक है, हिज मिसडेमीनर वॉकिंग अराउंड अलोन व्हिच इज कंसिडर्ड रेग्रेसिव. उसका अकेले रात को चलना इट इज नॉट कंसिडर्ड गुड फॉर द सोसाइटी. ठीक है, ये प्रोग्रेसिव नहीं है, रेग्रेसिव है. द स्टोरी डिपिक्ट्स द डेंजर ऑफ आइसोलेशन एंड द एब्सेंस ऑफ कम्युनिटी. ये पैराग्राफ आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर से आंसर आएंगे, थीम भी लिख सकते हो आप इसका. ठीक है, द स्टोरी डिपिक्ट्स द डेंजर ऑफ आइसोलेशन एंड द एब्सेंस ऑफ कम्युनिटी. दिस इज अ प्रोफेसी ऑफ व्हाट माइट हैपन इफ वी कंटिन्यू विद अ इंक्रीजिंगली सेल्फ ऑब्सेस्ड सेल्फ कंटेन्ड लाइफ. तो तुम लोग का जो भी लाइफ चल रहा है ना, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट और क्या नाम है तुम लोग का यूट्यूब, और जिस प्रकार से तुम लोग सोशल मीडिया पर इतना क्या नाम है इन्वॉल्व है तुम लोग, जिस प्रकार से आने वाले 20 इयर्स के बाद तुम लोग का लाइफ भी बिल्कुल आइसोलेटेड हो जाएगा और इतना तुम लोग अपने आप में रहने लगोगे कि बाहर वॉक पे जाना भी एबनॉर्मल लगने लगेगा. ठीक है, सो दिस नैरेटिव इज अ चिलिंग वेकअप कॉल. नाउ इट इज माय सजेशन टू यू ऑल कि ये जो पूरा पैराग्राफ है, ठीक है, सेकंड थर्ड और जो लाइफ लाइन है पेज नंबर 159 ऑफ योर ट्रेजर चेस्ट का बुक, इसको पूरा रट के बाय हार्ट करके जाना. अगर आप इतना भी कर लोगे ना तो आप बहुत अच्छे आंसर्स लिख पाओगे. ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो नाउ लेट्स गो स्ट्रेट अवे टू द स्टोरी. अपन स्टोरी स्टार्ट करते हैं अभी. तो आई एम शेयरिंग इट ऑन द स्क्रीन ऑल्सो. आप लोग के पास अगर बुक नहीं है तो आप स्क्रीन शेयर भी देख सकते हो. तो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. ठीक है, टू एंटर आउट इन टू दैट साइलेंस दैट वॉज द सिटी एट 8 o'clock ऑफ अ मिस्टी इवनिंग इन नवंबर. To put up your feet upon that buckling concrete wall, to step up over a grassy seams and make your ways, hands in pockets, through the silence, that was what Mr. Leonard Mead most dearly loved to do. Okay, so dekho introduction mein kya bol raha hai, to enter out into the silence, that was the city at 8 o'clock. Bada 8 baje city jo hai, wo pura silent ho jata hai. Can you believe it? All the students from Mumbai, कैन यू बिलीव कि मुंबई 8 बजे बंद हो गया है. दैट टू इन नवंबर. माने नवंबर में तो सिटी पूरा ही अलाइव हो जाता है. 8 बजे तो इनफैक्ट इंडिया का कोई भी सिटी छोड़ो, कोई भी टाउन छोड़ो, कोई भी विलेज में नहीं सोता है. ठीक है, लेकिन ऐसा बिकॉज ये डिस्टोपियन फ्यूचर है, आने वाला टाइम है, तो यहां पर 8 बजे लोग अपने घर में चले जाएंगे. लेकिन ये जो मिस्टर हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है, इसको अच्छा लगता है बाहर निकलना. ठीक है, इसका फेवरेट काम क्या है, ये 8 बजे मिस्टी इवनिंग इन नवंबर को टू पुट योर फीट अपॉन दैट बकलिंग कंक्रीट वॉक. ठीक है, बकलिंग इज बेसिकली क्रशिंग. ठीक है, कंक्रीट वॉक के ऊपर चलना, टू स्टेप ओवर ग्रासी सीम्स. ग्रासी मतलब ग्रास लाइक. ठीक है, एंड मेक योर वे, और आगे चलना, हैंड्स इन पॉकेट्स, पॉकेट के अंदर अपना हाथ डाल के, थ्रू द साइलेंसेस, दैट वॉज वॉट मिस्टर लियोनार्ड मीड मोस्ट डियरली लव टू डू. ये तुम लोग के लिए बहुत ही नॉर्मल होगा. आज के डेट में तुम देखिएगा, तुम लोग सब स्टूडेंट है, तुम लोग जब पढ़ते पढ़ते थक जाते हो तो नीचे कभी कहीं पर वॉक पे चले जाते हो ना, अकेले में थोड़ा सा वॉक कर लेते हो. इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग टू डू. लेकिन उस जमाने वाले जमाने में, 2053 का स्टोरी है सेटअप, उस जमाने में अगर आप रात को 8 बजे वॉक करने बाहर जाओगे तो इसको नॉर्मल नहीं माना जाएगा. He would stand upon the corner of an intersection and peer down long moonlit avenues of sidewalk in 4 directions. अब ये क्या करता था, चलकर एक intersection, मतलब जहां पर क्रॉस रोड, जहां पर 4 roads मिल रही है, वहां पर 2 मिनट खड़ा होकर देखता था, दूर तक देखता था, जितनी दूर तक वो देख सकता है. फिर वो डिसाइड करता था कौन से रास्ते में जाना है, आज नॉर्थ की तरफ जाऊं, वेस्ट की तरफ जाऊं, ईस्ट की तरफ जाऊं, किस तरफ जाऊं. ठीक है, बट इट रियली मेड नो डिफरेंस. और ये किसी भी तरफ देखता था ना, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है. He was alone in the world of AD 2053, or as good as alone. माने
2053 में अगर आप रात को 8 बजे निकलोगे, कहीं पर भी खड़े हो जाओ रोड में, आप किसी भी तरफ देखो, आपको वहां पे सन्नाटा ही मिलेगा। तुम लोग वहां खड़े होकर बोलेगा इतनी खामोशी क्यों है भाई, नहीं क्या था, इतना सन्नाटा क्यों है भाई, ठीक है। कहीं पर भी देख लो, कहीं भी चला जाओ, ठीक है, माने वहां पर खड़ा होना ऐसा ही है एज गुड एज अलोन, ठीक है। एंड विद अ फाइनल डिसीजन मेड अ पाथ सिलेक्टेड ही वुड स्ट्राइड ऑफ। फिर वो अक्कड़ बक्कड़ बंबई बॉल खेलकर एक तो पाथ चुनता था, पता ओके टुडे आई एम गोइंग टुवर्ड्स वेस्ट, ठीक है, तो वेस्ट में चला जाता था। सेंडिंग पैटर्न्स ऑफ फ्रॉस्टी एयर बिफोर हिम लाइक द स्मोक ऑफ सिगार। और तुम लोग को मालूम है विंटर्स के टाइम पे हम लोग के मुंह से हम लोग सिगरेट पीते हैं ना, छोटा बच्चा लोग पेंसिल लगा के ऐसे करके स्मोक करता है और हवा के अंदर में, दैट वी मेक दैट स्मोक लाइक थिंग, ठीक है। तो इतना फ्रॉस्टी है वहां पर, तो वो ऐसे हवा निकालते हुए एज ए फीस होता ना, हर गम को धुएं में उड़ाता चला गया, गाना गाते हुए हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, और एक तरफ निकल गया भाई साहब वॉक करने के लिए। और मैंने व्हाट इज अनइमेजिनेबल इज दैट देयर इज नोबडी देयर, ठीक है, 8 बजे कोई नहीं वहां पर, ठीक है, ओके। Sometimes he would walk for hours and miles and return only midnight to his house. माने 8 बजे निकला और 12 बजे घर वापस लौटा, चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जाता किसी की धुन में, है ना, चला जा रहा है। And on his way he would see the cottages and homes with their dark windows. And it was not unequal to walking through a graveyard where only the faintest glimmers of firefly light appeared in flickers behind the windows. अब वो जब चलता था रास्ते में अपने साइड वॉक, माने इसको बोले फुटपाथ के ऊपर में, तो उसको घर दिखते थे, ठीक है, लेकिन घर वैसे ही दिखते थे जैसे अगर आप रात को किसी ग्रेवयार्ड में चले जाओ, ठीक है। ग्रेवयार्ड में क्या होता है, वैसे तो कोई गया नहीं होगा आई एम श्योर, और क्यों ही नहीं जाएगा ग्रेवयार्ड में रात को, कभी गया तुम रात को ग्रेवयार्ड में, डोंट डेयर टू ना दिन में जाने में भी थोड़ा एरी लगता है, रात को तो खैर कोई जाएगा क्या, लेकिन अगर आप ग्रेवयार्ड में रात को जाओगे तो वहां अंधेरा होगा, ठीक है, हो सकता है आपको थोड़े जुगनू दिख जाए, ठीक है, जो फायरफ्लाइज है वो दिख जाए आपको चमकते हुए, ठीक है। तो वैसे ही जब ये घर के साइड में दिखता था तो घर भी उसको ग्रेवयार्ड जैसे ही दिखते थे, बिकॉज कोई इंसान नहीं, कोई लाइट नहीं, पूरा घर अंधेरा, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा कर्टन के बिहाइंड में अगर कहीं पे किसी घर में थोड़ा सा ग्लिमर, माने थोड़ी सी लाइट इसको दिखती थी, फ्लिकर्स बिहाइंड द विंडोज, अगर समझ कर लो किसी का कर्टन थोड़ा सा क्या नाम है ब्लो ऑफ हो रहा है या थोड़ा सा लाइट उसको दिखता था, ठीक है। और उसी में वहां पे अचानक उसको भूत भी दिख जाते थे। सडन ग्रे फैंटम सीम टू मैनिफेस्ट अपॉन द इनर रूम वॉल्स वेयर अ कर्टन वाज स्टिल अनड्रॉन अगेंस्ट द नाइट। नाउ ये भूत नहीं है, ये सिलहूट्स है या शैडोज है उन लोगों की जो घर के अंदर है, कोई घर के अंदर वॉक कर रहा है तो उसकी जो शैडो है वो वॉल के ऊपर गिर रही है और जो लाइट है उससे रिफ्लेक्ट हो रही है, तो उसको फैंटम जैसे दिखते थे। फैंटम क्यों बोला, क्योंकि घर को टूम्स बोल रहा है, ग्रेवयार्ड बता रहा है, तो जो घर में रहने वाले हैं वो भूत हैं, ठीक है। और दे वे विस्परिंग्स एंड मर्मर्स वेयर अ विंडो इन अ टूम लाइक बिल्डिंग वाज स्टिल ओपन। और कभी कभी घर से आवाज भी आती थी, कुछ लोग बात भी करते थे, अमेजिंग 2053 में लोग आपस में बात करेंगे, तुम लोग को बड़ा अमेजिंग लग रहा है ना कि सर ये क्या आप बोल रहे हैं, आपस में क्या बात नहीं करेंगे लोग। आजकल घरों में ऐसा हो गया है बेटा कि मम्मी बैठी है एक कमरे में, बेटा बैठा एक कमरे में, दोनों व्हाट्सएप से बात कर रहे हैं, है ना, मम्मी भूख लग रहा है, अरे बेटा क्या जा तेरे देर कमरे फ्रिज रखा है उसमें ये रखा है, जा बेटा पिज्जा ऑर्डर कर ले, है कि नहीं। सो ऐसा होता है कि नहीं, हम लोग घर में एक दूसरे से व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं, होता है कि नहीं होता ऐसा मधुर जूली, बताइए सच बताइए, होता है कि नहीं होता, नहीं, नहीं होता, क्या ही बात कर रहा है तुम लोग, हाँ आजकल सब लोग घर के अंदर भी एक दूसरे को व्हाट्सएप में बुला रहे, सुनना यहाँ आना, ठीक है, मैंने आवाज भी नहीं लगा रहे लोग, ऐसा हो रहा है आजकल। खैर चलो, मिस्टर लियोनार्ड मीड वुड पॉज, कॉक हिज हेड, लिसन लुक एंड मार्च ऑन। अब मिस्टर लियोनार्ड जो है उसके लिए ना ये बहुत ही एडवेंचर जैसा है कि किसी घर में इसको इंसान दिख जाए या किसी घर में कोई आवाज सुन ले, किसी को बात करता हुआ सुन ले। इट वॉज एज ऑफ लाइक वाओ, आज मैंने कुछ डिस्कवर किया है, ठीक है। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट 2053, तब इतना लोग आपस में आइसोलेटेड हो जाएंगे कि कोई एक दूसरे से बात भी नहीं करेगा, ठीक है। तो वो कभी कभी अगर विंडो से उसको कोई आवाज सुनती थी तो वो बहुत कीन होकर सुनता था, ठीक है। His feet making no noise on the lumpy walk, ठीक है, lumpy माने clumsy, तो उसको एकदम सन्नाटा एकदम शांति से जाता था, कोई आवाज नहीं करता था। आवाज क्यों नहीं करता था, क्योंकि बाहर कोई है नहीं, और अगर उसका बाहर चलने का आवाज आएगा तो इट विल बी डिस्टर्बिंग, लोग थोड़ा सा अटेंशन में आ जाएंगे कि बाहर कौन चल रहा है, ठीक है, माने इट विल बी अनयूजुअल थिंग कि हमने बाहर आज कुछ देखा, न्यूज आ जाएगा यार, कल रात को 8 बजे हमने एक आदमी को चलते हुए देखा, वो भी 8 बजे रात को, ब्रेकिंग न्यूज, रात को 8 बजे एक आदमी चलता है बाहर, ठीक है। For long ago he was wisely changed to sneakers
when strolling at night because the dogs in intermittent squad would parallel his journey with barkings. And if he wore hard heels, a light might click on and face appear, an entire street must be startled by the passing of a lone figure himself in the early November evening. अब ये क्या कर रहा था, रात को जब चलता था तो इसने स्निकर्स पहन लिए थे, क्योंकि अगर ये हार्ड सोल वाले शूज पहनेगा, हील्स पहनेगा, तो उससे आवाज होगी, आवाज होंगे, तो जो डॉग्स है ना रस्ते पे, डॉग्स, थैंक गॉड डॉग्स तो मिलेंगे रस्ते पे, मेरे को लगा डॉग्स भी नहीं मिलेंगे, उनको भी पुलिस पकड़ लेगी, लेकिन अगर डॉग्स मिलते हैं तो वो लोग किसी को वॉक करते हुए देख के थोड़े से क्यूरियस हो जाते हैं और उसके संग वॉक करने लगेंगे, और हार्ड हील्स होगा तो वो लोग बार्क भी करेंगे, ठीक है, और अगर वो लोग बार्क करेंगे तो विंडो के अंदर में जो लोग हैं उनको थोड़ा सा अनयूजुअल लगेगा, और वो लोग बाहर आके देखेंगे कि कौन आदमी बाहर में आया, एंड इट विल क्रिएट अ न्यूसेंस, वहां पर एक तो पूरा एक तो सीन क्रिएट हो जाएगा, तो वैसा नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो आजकल क्या नाम है, वो पहन के घूमता है स्नीकर्स, ठीक है. On this particular evening, he began his journey in a westerly direction towards the hidden sea. But आज उसने decide किया, आज मैं west की तरफ जाऊंगा, जहां पर hidden sea है, उस तरफ मैं जाऊंगा. There was a good crystal frost in the air. Crystal frost का मतलब बहुत सारा water vapor है, थोड़ा सा snow भी है air में, ठीक है. It cut the nose and made the lungs blaze like a Christmas tree. ठंडा है मैंने basically, और आपका जो nose है, उसके ऊपर में थोड़ा सा आपका जो chill है, वो आपके ऊपर में लग रहा है. And blazed like a Christmas tree inside. और आप जब उसका जो ठंडी हवा है, जब आप उसको ब्रीद इन करेंगे तो लाइक आपका पूरा अंदर से जो लेवर है या लंग्स जो है वो पूरा ठंडा हो जाएगा, ठीक है. You could feel the cold light going on and off all the branches filled with invisible snow. आप पूरा branches में snow गिरा हुआ है, थोड़ा बहुत घर की जो light आ रही है उससे वो थोड़ा बहुत reflection या refraction वहां पर हो रहा है. He listened to the faint push of his soft shoes through autumn leaves with satisfaction. और जब वो चल रहा है तो उसकी शूज की आवाज उसको आ रही है. तुमको पता है जब ज्यादा मॉइस्चर होता है तो एको भी ज्यादा होता है, आवाज भी ज्यादा अच्छे से सुनाई देती है, ठीक है. तो उसको अपने ही शूज की आवाज आ रही है, उसको खुशी हो रहा है कि मैं यहाँ पे वॉक कर रहा हूं. He listened to the faint push of his soft shoes through autumn leaves with satisfaction and whistled a cold, quiet whistle between his teeth. और सीटी बजाते हुए वो अपना ही आवाज सुनते हुए सीटी बजाते हुए काफी अच्छे ठंड है ना, तो मैं एंजॉय करता हूं विंटर्स को, एंजॉय करता हूं तुम लोग विंटर्स में वॉक करता है रात को, वॉकिंग इन द विंटर्स एट नाइट मजा आता है ना, बहुत ज्यादा ठंडा नहीं, अगर मैंने दिसंबर स्टार्ट में है ना अराउंड 9 o'clock, ठीक है, अच्छा बहुत मजा आता है ना, अपना पूरा जैकेट वैकेट पहन के, शूज वूज पहन के, एंड यू टेक अ वॉक, और वो ठंडी हवा हम लोग को हिट करती है फेस पे, एंड व्हेन यू ब्रीद इन कोल्ड एयर जाता है, मजा आ जाता है ना, इट्स अ वेरी नाइस टाइम. तो वो भी इंजॉय कर रहा है अपना ठंडी हवा को, गाना माने अपना गुनगुना रहा है, विसल करते हुए जा रहा है, ठीक है. ओकेजनली पिकिंग अप अ लीफ एज ही पास, कभी कभी जो रस्ते में जो लीव्स है उसको भी ले रहा है. एग्जामिनिंग इट्स स्केलेटल पैटर्न इन द इनफ्रीक्वेंट लैंप लाइट एज ही वेंट ऑन स्मेलिंग इट्स रस्टी स्मेल, और नेचर के बहुत पास है, इसको नेचर बहुत पसंद है, तो लीव्स को देख रहा है, उसका फीचर्स को देख रहा है, उसका स्मेल कर रहा है, ही इज एंजॉयिंग हिमसेल्फ, ठीक है, आराम से वॉक कर रहा है. कभी कभी इसको बदमाशी करने का भी मन करता है, तो हेलो इन देयर He whispered to every house and every side as he moved. सारे घर को बोलता जा रहा है, हेलो कोई है घर में, एनीबडी हो, क्या कर रहे हो घर पे, क्या चल रहा है घर पे भाई आज, What's up tonight? टीवी देख रहे हो साले गधे के लेजी लोग, घरे आराम से बैठ के लेजी पीपल वॉचिंग टीवी, क्या रहा है बताओ, चैनल 4 पे क्या रहा है, चैनल 7 में क्या रहा है, चैनल 9 में क्या रहा है, बताइए क्या रहा है. Where was the cowboys rushing? बोला cowboy कोई देख रहा होगा कहां जा रहे हैं. And do I see the United States cavalry over the next hill to the rescue? और कोई war movie आ रहा है जिसमें United States के cavalry horses जाके किसी को rescue कर रहे हैं, क्या चल रहा है? लेकिन वहां पर the street was silent and long and empty. कोई नहीं है रस्ते में. With only his shadow moving like a shadow of a hawk in mid country. ऐसा लग रहा है अकेले जा रहा है, जैसे hawks होती है ना, जैसे तुम देखिएगा desert में अकेले ही hawk ऊपर उड़ती रहती है, there is nobody, तो वो अकेले ही घूम रहा है. If he closed his eyes and stood very still, frozen, he could imagine himself upon the center of a plain, wintry, windless Arizona desert with no house in 1,000 miles and only dry river beds, the streets for company. बोल रहा है अगर जिस प्रकाश का एटमॉस्फेयर है, अगर वो वहां पर आंख बंद करके इमेजिन करे कि वो एरिजोना के कोल्ड डेजर्ट्स में है, जहां पर कोई घर नहीं है, खाली प्लेन है, विंटर है, और जो रिवर्स है वो भी पूरी क्या नाम है एकदम से ड्राई हो गई है, हमारे पूरी फ्रोजन हो गई है, तो बोलना गलत नहीं होगा. ये भी जहां पर खड़ा है ना वो वैसा ही फीलिंग आ रहा है, घर सारे अंधेरा है, वहां पर कोई पब्लिक नहीं है, रास्ते पूरे एकदम बैरन है, कोई लोग नहीं दिख रहे वहां पर,
तो इसको हम किसी कोल्ड डेजर्ट से कंपेयर कर सकते हैं. व्हाट इज इट नाउ ही आस्क्ड द हाउसेस नोटिसिंग हिज रिस्ट वॉच. अब वो रिस्ट वॉच देखे बोला क्या आ रहा होगा अभी टीवी पे. ठीक है अभी देखता कितना बज रहा है. अच्छा 8:30 PM हो गया. 8 बजे वॉक करने निकला. इट्स 8:30 PM टाइम फ्रॉम अ डजन असॉर्टेड मर्डर्स. बोला अभी कोई मर्डर के ऊपर में सीरीज या सीरियल आ रहा होगा. लोग देखेंगे मर्डर मिस्ट्री देख रहे होंगे. किसी टीवी में क्विज आ रहा होगा. किसी में रिव्यू आ रहा होगा. रिव्यू इज अ शॉर्ट प्ले. अ कॉमेडियन फॉलोइंग ऑफ द स्टेज. कहीं पर कोई स्टैंड अप कॉमेडियन ना जाकिर खान अपना कोई सुना रहा होगा या कपिल शर्मा. ना कपिल शर्मा तो आजकल आउटडेटेड हो गया है. तो आजकल क्या चल रहा है भाई स्टैंड अप कॉमेडियन में कौन चल रहा है आजकल. हाँ जूली कौन चल रहा है. एनी आइडिया. नहीं पता. ठीक है चलो बढ़िया. चलो कोई तो अच्छा लोग है दुनिया में. ठीक है तो बोला वॉज दैट अ मर्मर ऑफ लाफ्टर फ्रॉम विदिन अ मून व्हाइट हाउस. अचानक उसको लगा कहीं से किसी के हंसने की आवाज आई. बहुत अनयूजुअल हंसने की आवाज. लोगों की आवाज ही नहीं आ रही. हंसने की आवाज तो दूर की बात. ही हेजिटेटेड बट वेंट ऑन व्हेन नथिंग मोर हैपेंड. थोड़ा देर के लिए ना वो रुका वहां पर क्यूरियस होके कि अरे और कुछ आवाज आएगी मैं सुनूंगा. देखो ये भी उसको मजा आ रहा है ना पीप करने के लिए. थोड़ा सा पीकअबू थोड़ा सा ना थोड़ा देखने के लिए ना. मैंने बोलते ना उसको मैंने उसको एकदम अच्छा लग रहा है कि सुने किसी की बात. हाँ ईव ड्रॉप करने के लिए ना थोड़ा सा ईव ड्रॉप करने के लिए अच्छा लग रहा है कि वहां खड़ा होकर सुने. He hesitated but went on when nothing more happened. He stumbled over a particularly uneven section of sidewalk. The cement was vanishing under flowers and grass. In 10 years of walking by night or day for thousands of miles, he had never met another person walking, not once in all time. ये बहुत ही important paragraph है. इसको mark कर लो एक बार. बोला 10 साल से वो walk कर रहा है. ठीक है walking by night or day. For thousands of miles, हजारों miles उसने walk किया 10 साल में. He had never met another person walking. उसको एक भी इंसान walk करता हुआ नहीं मिला है. Not once in all that time. Isn't it strange? 10 साल में आपको एक भी आदमी walk करता हुआ नहीं मिला है. तुम इंडिया में walk करने निकल जाओ है ना अगर तुम रस्ते में रुकेगा तो लोग तुमको पीछे से ढट्टा मार मार के घर पहुंचा देगा. क्या चलो 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 खड़ा हुआ चलो आगे बढ़ो. मुंबई लोकल ट्रेन में चले जाओ walk करने का भी जरूरत नहीं है ना. अपने आप तो मून वॉक करेगा वहां पर. पीपल आर गोइंग टू जस्ट पुश यू. माइकल जैक्सन बन जाएगा तुम वहां. लेकिन यहां पर वो वॉक करता है और उसको कोई लोग नहीं मिलते. ही केम टू अ क्लोवर लीफ इंटरसेक्शन विच स्टूड साइलेंट वेयर टू मेन हाईवेज क्रॉस द टाउन. नाउ क्लोवर लीफ इंटरसेक्शन जो होता है ना वो एक्चुअली कनेक्शन बिटवीन टू रोड्स. माने दो रोड होती है उसमें 4 छोटी रोड्स एक संग मिलती है. माने लॉट ऑफ रोड्स टूगेदर. ठीक है तो 2 मेन हाईवे है यहां पर और उसमें छोटी छोटी रोड्स जो हैं वो नीचे की तरफ ज्वाइन किए हुए हैं. ठीक है बोला ड्यूरिंग द डे इट्स यू कैन से इट्स इंपॉर्टेंट क्रॉसिंग. ओके यहाँ पे काफी व्हीकल्स आती है लेकिन डे टाइम पर. ड्यूरिंग द डे इट वाज अ थंडरस सर्ज ऑफ कार्स. अगर तुम मॉर्निंग में आएगा तो यहां पर देखिएगा एक के बाद एक कार्स आ रही है स्पीड में आ रही है. गैस स्टेशन ओपन वहां पर क्या नाम है जो गैस स्टेशन सब खुला है. अ ग्रेट इंसेक्ट रस्लिंग. ग्रेट इंसेक्ट कार्स को बोल रहा है. बोलो आवाज कर रहा है. A ceaseless jockeying for position. एक गाड़ी एक दूसरे गाड़ी से आगे निकलने की कोशिश कर रही है. As the scrap beetles, they are insects. तो ये insects जो होते हैं आपस में लड़ते रहते हैं अन ऑफ पोजिशन. वैसे गाड़ियां भी रेस कर रही है एक से दूसरा एक आदमी एक दूसरा आदमी एक आदमी से आगे निकलने की कोशिश कर रहा है. People are so busy they don't have time. Everybody wants to go very fast. ठीक है. A faint incense sputtering from the exhaust. ऑब्वियसली धुआं निकल रहा है लेकिन हल्का सा धुआं निकल रहा है. आज जैसा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकल रहा है कुछ इलेक्ट्रिकल स्टीम टाइप का निकल रहा होगा. स्किम्ड होमवर्ड्स टू द फार डायरेक्शन. और सब लोग घर जाने की जल्दी में है कि जल्दी से जल्दी हम लोग स्पीड से घर चले जाए. यहां पर हमको रुकना नहीं है. पीपल आर नॉट यूज टू टॉकिंग एंड सोशलाइजिंग एट ऑल. हो सकता है रूल्स एंड रेगुलेशंस भी है कि आप वहां पर नहीं रुक सकते. बट रात को पूरा सिनेरियो चेंज हो जाता है. बट नाउ दीज हाईवेज टू वेयर लाइक ड्रीम्स इन अ ड्राई स्ट्रीम्स इन अ ड्राई सीजन. तो अभी ऐसा लग रहा है कि जो हाईवे है ना ये नदी है स्ट्रीम्स है जिसके अंदर पानी नहीं है. ठीक है ऑल स्टोन एंड बेड एंड मून रेडियंस. ठीक है और वहां पे मून का रिफ्लेक्शन हो रहा है. तो अभी जो रोड्स है दे आर लुकिंग लाइक ड्राई स्ट्रीम्स. पानी भी नहीं है उसके अंदर में. ठीक है और पूरा सुनसान है लाइक क्या बोलेंगे उसको अपन बोलेंगे एकदम बैरन लैंड्स बोलेंगे वैसा. ठीक है खाली मून का जो शेडो है वो वहां पर पड़ रहा है. He turned back on a side street, circling around towards his home. अब वो अपने घर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है. देखा बहुत वॉक कर लिया घर चलते हैं. He was within a block of his destination when a lone car turned a corner quite suddenly and flashed
अ फियर्स व्हाइट कोन ऑफ लाइट अपॉन हिम। अब वो अपने घर की तरफ जा ही रहा था, तभी अचानक क्या हुआ, एक गाड़ी जो है एक कॉर्नर को टर्न करती है, ठीक है, माने एक गाड़ी अचानक वहां पर आ जाती है ऑल ऑफ अ सडन, और वो इसकी तरफ टर्न करती है और इसके ऊपर एक लाइट का बीम फेंकती है, कोन ऑफ लाइट अपॉन हिम। ही स्टूड एंट्रांस्ड, एंट्रांस्ड मतलब वंडरस, पूरा वंडर्स हो गया, लाइक लाइक यू आर सरप्राइज्ड एंड वंडर्स कि क्या हुआ, ये कौन आ गया, ठीक है। नॉट अनलाइक अ नाइट मॉथ स्टंड बाय द इल्यूमिनेशन एंड देन ड्रॉन टुवर्ड्स इट। तो बहुत ही अच्छा यहां पर डिस्क्रिप्शन दिया है, एक होता है ना जो होता है ना नाइट मॉथ, माने जो रात का इंसेक्ट होता है जो लाइट को देखकर अट्रैक्ट हो जाता है और फिर उसके पास जाता है और जलकर मर भी जाता है ना। तो बोल रहा है जैसे वो एक जो रात को जो हमारी फ्लाइज होती है वो लाइट को देख के अट्रैक्ट होती है, वैसे ही उस लाइट को देख के ये अट्रैक्ट हो गया, रादर डिस्ट्रैक्ट हो गया, और उस लाइट को देख के सरप्राइज भी होगा कि ये मेरी तरफ क्यों मार, ठीक है। अब एक गाड़ी इसकी तरफ आती है और उसके अंदर से एक आवाज आता है विच इज मेटेलिक, ऐसा लग रहा है कोई मशीन बोल रहा है, कोई कंप्यूटर बोल रहा है, ठीक है, कोई स्पीकर बोल रहा है। अ मेटालिक वॉइस कॉल्ड टू हिम, स्टैंड स्टिल, स्टे वेयर यू आर, डोंट मूव, ठीक है। तो मेटालिक वॉइस बोला वहीं खड़े रहो, आगे बढ़ने का कोशिश नहीं करना, मूव नहीं करना। ही हॉल्टेड, पुट अप योर हैंड्स, बोला अपना हाथ ऊपर करो, उसने अपना हाथ भी ऊपर कर दिया। और बोला बट ही सेड, बोला पर क्यों, मैंने क्या किया, योर हैंड्स अप और वी विल शूट, बोला सर हाथ ऊपर उठाओ नहीं तो अभी गोली मार देंगे। ये बोला मैंने क्या किया भाई, मैं वॉक कर रहा हूं, कर क्या रहा हूं। The police, of course, but what a rare, incredible thing. In a city of 3 million, there was only one police car left. Wasn't that correct? अब बोला पुलिस क्या कर रही है यहाँ पर? और देखो amazing thing क्या है? वहाँ पर करीब 30 लाख लोग रहते हैं और उनको govern करने के लिए, ठीक है, उनको administer करने के लिए सिर्फ एक गाड़ी है पुलिस की, ठीक है। बोला ever since a year ago, 2052, the election year, the force had been cut down from 3 cars to 1. 2052 में 3 पुलिस कार थी, 2053 में सिर्फ एक ही गाड़ी रह गई। इसका मतलब क्या है, क्राइम रेट कम हो रहा है, क्राइम वॉज एबिंग, एबिंग का मतलब कम हो रहा है। देयर वॉज नो नीड नाउ फॉर द पुलिस सेव फॉर दिस वन लोन कार वॉन्डरिंग एंड वॉन्डरिंग द एम्प्टी स्ट्रीट्स। बोरा लोग तो बाहर निकलते ही नहीं है तो क्राइम होता ही नहीं है, क्राइम होता ही नहीं है तो पुलिस की जरूरत क्या है। तो खाली एक कार को रखा हुआ है लोग ने, ठीक है, फॉर लाइक अनयूजुअल इवेंट्स, अदरवाइज पुलिस की जरूरत ही नहीं है, सारी पुलिस खत्म हो गई, ठीक है। अब पुलिस इससे क्वेश्चन आंसर कर रहा है, योर नेम, सेड द पुलिस कार इन अ मेटालिक विस्पर, नाम बोलो। ही कुडंट सी द मैन इन इट फॉर द ब्राइट लाइन्स इन हिज आईज। अब उसको कोई आदमी नहीं दिख रहा गाड़ी के अंदर ऑब्वियसली, ठीक है। तो बड़ा नाम बताओ, बोला लियोनार्ड मीड, ही सेड, स्पीक अप, जोर से बोलो, लियोनार्ड मीड, बिजनेस और प्रोफेशन, क्या करते हो, बिजनेसमैन हो कि प्रोफेशनल हो। आई गेस यू कैन कॉल मी अ राइटर, मेरे को राइटर बोल दो, आई एम अ राइटर। तो वहां से आया था, नो प्रोफेशन, बोला कुछ काम नहीं करता है, फालतू आदमी है ये, ठीक है। राइटिंग 2053 में इट्स नॉट अ जॉब है ना, इट्स नॉट अ वर्क, क्योंकि राइटिंग तो हमारी चैट जीपीटी भी कर लेगी, ओके। सो राइटिंग इज कंसिडर्ड एज अनप्रोफेशनल। तो बोरा नो प्रोफेशन, सेड द पुलिस कार एज इफ टॉकिंग टू इटसेल्फ, बोरा फालतू आदमी है, कोई काम ही नहीं करता, ऐसे घूम रहा वेल्ला। The light held in fits like a museum specimen, needle thrust through chest. जो light है वो उसके ऊपर directly पड़ रहा था, ऐसा लग रहा था उसको पूरा एकदम fix कर दिया वहाँ पे। The light was not moving, ठीक है? उसके ऊपर पूरा spotlight था। You might say that, said Mr. Mead. अब Mr. Mead भी बोल रहा, हाँ भाई, आजकल writing तो कोई काम नहीं है। He had not written in years, बोला बहुत सालों से तो मैंने लिखा भी नहीं है। Magazines and books did not sell anymore. Obviously, nobody is going to read magazine and books. सबके पास नेट है, सबके पास, you know, सबके पास कनेक्टिविटी है, सब लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, किसी को खरीदने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। Everything went on in the two like house at night now, he thought, continuing his fancy. बोला सब कुछ आजकल घर के अंदर होता है ना, घर के अंदर आपके पास मशीन है, उसके अंदर बुक्स है, स्टोरीज है, you can read everything. Who is going to read the writers? Nobody. The tombs, ill lit by television light, where the people sat like the dead, the grey or multicolored. Just give me one second. Okay. Touching their faces, but never really touching anything. ठीक है, अब बोल रहा है वहां पर लोग कमरे के अंदर बैठे रहते हैं, ठीक है। They are lit by television light. People माने एकदम dead लोग की तरह बैठे रहते हैं, just gazing on, ठीक है। उनके ऊपर light गिरती रहती है। They are watching everything. माने light उनको touch कर रही है, but actually उनको touch नहीं कर रही, माने कोई emotions नहीं है उसके अंदर, ठीक है। तो फाइनली जो पुलिस वाले हैं उन्होंने जजमेंट किया, नो प्रोफेशन, सेड द फोनोग्राफ वॉइस, बोला कोई प्रोफेशन तुम्हारा है ही नहीं। व्हाट आर यू डूइंग आउट, आप पूछ रहा तो क्या कर रहा बाहर, क्या कर रहा,
तो लियोनार्डो बोला वॉकिंग सर, वॉकिंग. मशीन बोला वॉकिंग, जस्ट वॉकिंग ही सेड सिंपली, बट हिज फेस फेल्ट कोल्ड. बोला चल रहा था, चलना चल क्यों रहा है? तो बोला सर वॉकिंग सर, जस्ट वॉकिंग. वॉकिंग सर? यस सर वॉकिंग. वेयर फॉर वॉट? क्यों वॉक कर रहा है, किसके लिए वॉक कर रहा है, कहां जा रहा है? बोला वॉकिंग फॉर एयर, हवा खाने के लिए. वॉकिंग टू सी, बाहर निकल रहा हूं देखने के लिए. आई जस्ट वॉन्ट टू मूव अराउंड, फील द नेचर. तो मशीन बड़ा पागल है कोई. बोला एड्रेस क्या भाई, बता एड्रेस क्या है, योर एड्रेस बता रहा है, 11 साउथ सेंट जेम्स स्ट्रीट. तो अब बहुत फनी है, ठीक है. तो पुलिसमैन उसको बोल रहा है, जो भी मशीन है, एंड देयर इज एयर इन योर हाउस. बोला तेरे घर में एयर कंडीशनर है ना? यू हैव एन एयर कंडीशनर मिस्टर मीन? बोला यस. तो बोला अगर एयर कंडीशनर घर के अंदर है तो बाहर हवा क्यों खा रहा है पागल? घर के अंदर एसी चला और देख, और देखना है तेरे को. एंड यू हैव अ व्यूइंग स्क्रीन इन योर हाउस टू सी व्हाट. और तेरे घर में एक स्क्रीन भी है देखने के लिए, तो बाहर क्या देख रहा है, स्क्रीन पे देख. लेकिन यहां पर लियोनार्डो बोल रहा है मेरे घर में टीवी नहीं है. नो, बोल रहा आई डोंट हैव अ टीवी. नाउ दिस मशीन इज सेइंग यू डोंट हैव अ टीवी. ये भैया ब्रेकिंग न्यूज है, दिस इज समथिंग अनयूजुअल. ठीक है, दिस इज नॉट फॉलोइंग द नॉर्म्स. ये अबनॉर्मल आदमी है, इसके घर में टीवी नहीं है, इसके पास मोबाइल नहीं है. ओ माय गॉड, एबनॉर्मल है आदमी. देयर वाज अ क्रैकलिंग क्वाइट एंड दैट इन इटसेल्फ वाज एन एक्यूजिशन. और वहां पर जो पुलिस वाला है वो चुप हो गया. और चुप होना मतलब उसको लग रहा है ये कोई गंभीर इशू है, ये आदमी पागल है. इसके घर में हवा है पर ये घर में नहीं है, इसके घर में टीवी ही नहीं है. अब यहाँ पे बोला आर यू मैरिड मिस्टर मीड? तो बोला तो क्या शादी शुदा है? अब ये बोल रहा है नो. अब ये भी बोल रहा है नो, इसका मतलब तेरी कोई फैमिली भी नहीं है. देखो अगर फैमिली होती तो पुलिस वाला उसको फोन करके बोल देता कि सुनो हमने आपके आपने आपके घर के जो मेंबर है उसको अरेस्ट किया है. और उनके घर वाले आके फाइट वाउच करते उसके लिए कि नहीं ये तो नॉर्मल आदमी है, वॉक करता है, कोई गलत काम नहीं किया. मैंने उसके सपोर्ट में कोई बोलता केस लड़ता, पर कोई है ही नहीं सपोर्ट करने के लिए. नाउ ये आदमी एक ऐसा आदमी है आज के टाइम पर जिसके घर में टीवी नहीं है. बताइए 2053 में टीवी नहीं है, कोई लैपटॉप नहीं है, कोई स्क्रीन नहीं है, बहुत अनयूजुअल है यार. ठीक है, उसके बाद ये अकेला रहता है, आइसोलेटेड, ये भी अनयूजुअल है. ठीक है, इसको लग रहा है ये आदमी पक्का इस सोसाइटी को बिलोंग नहीं करता, ये पागल है. ठीक है, और कोई भी नहीं है जो इसके लिए वाउच करेगा या उसके लिए कोई विटनेस बनेगा. तो ये तो यहां पर ये बता रहा है कि नोबडी वांटेड बी सेड लियोनार्ड मीड विद अ स्माइल. ठीक है, अब लियोनार्ड मीड थोड़ा सा फनी होने की कोशिश कर रहा, थोड़ा ह्यूमरस होने की कोशिश कर रहा है कि बोला मैंने शादी नहीं करी क्योंकि कोई मुझमें इंटरेस्टेड नहीं था. तो मशीन पीछे से बोलता है डोंट स्पीक अनलेस यू आर स्पोकन टू. जब तुमसे पूछा जाए तभी जवाब दो. बेसिक कॉमेडियन बनने का जरूरत नहीं है, फालतू मत बको. लियोनार्ड मीड वेटेड इन द कोल्ड नाइट, बेचारा चुपचाप खड़ा हो गया, क्या ही बोलेगा. तो बोला जस्ट वॉकिंग मिस्टर मीड, मशीन को विश्वास ही नहीं था. बोला क्या बोला, तू वॉक कर रहा था? ओ माय गॉड, हाउ इज दैट पॉसिबल? मीड बोला यस सर आई वाज वॉकिंग. बट यू हैवंट एक्सप्लेन फॉर व्हाट पर्पस तू वॉक क्यों कर रहा था. जूली कल से तुम वॉक करेगी तो सोच समझ के वॉक करना. ठीक है, हो सकता कोई पुलिस वाला पूछे व्हाई आर यू वॉक जूली, और तुम तो ऊपर से स्केबो भी करती है ना, क्या नाम है, स्केट्स. नॉट अलाउड 2053 में, नॉट अलाउड. तो बोला आई एक्सप्लेन फॉर एयर एंड टू सी एंड जस्ट टू वॉक. बोला मैंने तुमको बोला मैं एयर के लिए निकला हूं, देखने के लिए निकला हूं और वॉक करने के लिए निकला हूं. हैव यू डन दिस ऑफन? बोला क्या तू ऐसे बहुत बार करता है? बोला एवरी नाइट फॉर इयर्स, मैंने रातों को हर रात को निकलता हूं. अब पक्का पागल आदमी है ये, एकदम 101% पागल एंड डेंजरस. द पुलिस कार सेट इन द सेंटर ऑफ द स्ट्रीट विद हिज रेडियो थ्रॉट फेमिनेंटली हमिंग. और वो रेडियो के अंदर में कुछ बात कर रहा है, मैं भी अपना हाई स्टेशन से बात कर रहा है. वेल मिस्टर मीड सेड इज दैट ऑल ही आस्क्ड पोलाइटली. तो वहां से मशीन बोल रहा है कि ओके मीड वी आर ओवर विद द क्वेश्चन एंड आंसर. तो इसको लगा क्या नाम है मेरी छुट्टी हो गई. बोला बस आपको और कुछ पूछना है? बोला नहीं. यस सेड द वॉइस हियर देयर वाज अ साइट अ पॉप द बैक डोर ऑफ द पुलिस कार स्प्रैंग वाइड गेट इन. ठीक है, बोला बहुत हो गया क्वेश्चन आंसर, वी आर डन विद द क्वेश्चनिंग. चलिए गेट पीछे से अपने आप खुल गया, कट, चलो अंदर. अब इसको समझ में आ रहा लियोनार्डो को कि इसको लोग अरेस्ट कर रहे हैं. ऊपर वेट अ मिनट, आई हैवंट डन एनीथिंग, मैंने तो कुछ नहीं किया. पुलिस बोले गैरेन अंदर चल. ये क्या चल रहा भाई साहब, अंदर क्यों? क्योंकि आई वॉज वॉकिंग. आई प्रोटेस्ट, उसने बोला मैं प्रोटेस्ट करता हूं. मशीन बोला मिस्टर मीड गैरेन और वी विल शूट. ठीक है, Now he walked like a man suddenly drunk. As he passed the front window of the car, he looked in. As he had expected, there was no one in the front seat, no one in the car at all. अब ये बेचारा थोड़ा सा स्लगिश होकर चलने लगा. ठीक है, इसको समझ में नहीं आ रहा पुलिस को पढ़ के कहां लेके जा. और इसने गाड़ी के अंदर देखा तो इसको पता था कि गाड़ी के अंदर कोई नहीं होगा. एक्चुअली गाड़ी के अंदर कोई नहीं था, सिर्फ एक मशीन थी. ठीक है, there was nobody in the car also. लेकिन गाड़ी बोल रही है गैरेन अंदर चलो.
He put his hand to the door and peered into the back seat with a little cell. अब पीछे के सीट में एक जेल भी है, छोटा सा सेल है. Little black jail with bars. उसके अंदर बार भी लगा हुआ है. It smelled of riveted steel. It smelled of harsh antiseptic. It smelled too clean and hard and metallic. अभी अंदर जाके बैठा है, उसके अंदर antiseptic मार के रखा हुआ है. ठीक है, और एकदम साफ सुथरा है. अरे किसी को अरेस्ट ही नहीं किया है लोग बहुत सालों से. बहुत दिन के बाद से ये पहला आदमी है जो अरेस्ट हुआ है. ठीक है. There was nothing soft there. अंदर कुछ भी सॉफ्ट नहीं था. But now if you had a wife to give you an alibi, said the iron voice. But अगर तुम्हारी वाइफ होती तो हम लोग उसको फोन करते और वो तुमको हेल्प करती, तुम्हारा विटनेस बनती और तुम्हारे लिए वाउच करती कि ये नॉर्मल है, तुम वॉक करते हो, कोई बड़ी बात नहीं है. लेकिन तुम्हारे को तो बचाने के लिए भी कोई नहीं है. यू डोंट इवन हैव अ वाइफ. बट वो बोल रहा है लेकिन अब क्या होगा. वेयर आर यू टेकिंग मी, मुझे कहां लेकर जा रहे हो. द कार हेजिटेटेड और रादर गिव अ फेंट वरिंग क्लिक. वरिंग का मतलब कोई मशीन चल रहा है लाइक अ फैन. ठीक है, ऐसा लग रहा है कुछ टाइप हो रहा है. As if information somewhere was dropping card by punch slotted card under electric eyes. ऐसा लग रहा है कोई उसका पूरा नंबर नोट कर रहा है, डिस्क्रिप्शन नोट कर रहा है, उसका क्राइम नोट कर रहा है. ठीक है, कोई बिल बना रहा है, स्लिप बना रहा है उसके लिए. और क्या बोल रही है काड़ी, टू द साइकियाट्रिक सेंटर फॉर रिसर्च ऑन रेग्रेसिव टेंडेंसीज. इसको पूरा लर्न करना पड़ेगा आप लोग को, है ना. ये आंसर में आप लोग लिखेंगे कहां लेकर जा रहा है, टू द साइकियाट्रिक सेंटर फॉर रिसर्च. बोला आपके ऊपर रिसर्च किया जाएगा, आप नॉर्मल आदमी नहीं है, आप रात को वॉक करते हैं बताइए. हाँ, आप नेचर का हवा खाने के लिए निकले हुए. ओ माय गॉड, आपके घर में एयर कंडीशनर है फिर भी आप बाहर निकले हुए और आप देखने के लिए बाहर निकलते हो. घर में टीवी भी नहीं है आपके. वेरी बैड, आपका रिग्रेसिव है, माने यू आर गेटिंग लाइक आउट क्लास है. आप सोसाइटी से अलग काम कर रहे हो. हम लोग आपको लेके जाएंगे साइकियाट्रिक सेंटर, पागल खाना, आप पागल हो. बेचारे को अंदर लेके आता. ही गॉट हिम. द डोर शट विद अ सॉफ्ट थड. द पुलिस कार रोल्ड थ्रू द नाइट एवेन्यूज फ्लैशिंग इट्स डिम लाइट्स अहेड. ठीक है, अब गाड़ी बंद हो गया, गेट बंद हो गया, पुलिस अपना रास्ते में निकला इधर उधर गली से और हल्का सा लाइट जला के चल रहा है. अब देखो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है. दे पास वन हाउस ऑन वन स्ट्रीट अ मोमेंट लेटर. वन हाउस इन एंटायर सिटी ऑफ हाउसेस दैट वेयर डार्क. अब वो एक घर के बाहर से निकला, पूरे शहर में एक ही घर था इसका घर. बट दिस वन पर्टिकुलर हाउस हैड ऑल ऑफ इट्स इलेक्ट्रिक लाइट ब्राइटली लिट. इसने क्या किया था, अपने घर की सारी लाइट जला कर रखी थी. इसके घर पूरा अच्छे से इल्यूमिनेटेड था, पूरा शहर अंधेरे में था, खाली इसका घर जो था वहां पे हर लाइट जली हुई थी. ये भी पागलपंती है, सब लोग अंधेरे में रहते हैं तो लाइट में क्यों रहता भाई. ठीक है, एवरी विंडो अलाउड येलो इल्यूमिनेशन. हर घर की खिड़की पे लाइट जल रहा है. स्क्वायर एंड वार्म इन इट्स कूल डार्कनेस. ठीक है, ये बोला अब लियोनार्ड मीड. बोला दैट्स माय हाउस सर लियोनार्ड मीड. लेकिन उसका कोई आंसर नहीं दिया. माने घर में अगर आप अच्छा, तुम लोगों को कैसा घर अच्छा लगता है, डार्क की इल्यूमिनेटेड. घर में लाइट जलना चाहिए कि नहीं जलना चाहिए. हर मूड पे डिपेंड करता है. ये तो लड़की अलग ही, आजकल जनरेशन आंसर भी अलग देता है. देखो भैया मेरे को तो अंधेरा बिल्कुल पसंद नहीं है. हाँ, रात में जब सोना का टाइम होता है तो अलग बात है. ठीक है, आई नीड लॉट ऑफ लाइट. लाइट का मीन्स लाइफ. ठीक है, लेकिन वहां पर 2053 में सब कुछ डार्क है. नोबडी नीड्स लाइफ. ठीक है, खाली बिचारे के घर में लाइट जला हुआ, दैट इज ऑल्सो रेग्रेसिव. ये सोसाइटल नॉर्म्स नहीं है, आप लाइट जला के क्यों रखे. ठीक है, जब उसने बोला ये मेरा घर है तो उसका डाउट और कंफर्म हो गया, ये पागल है, पूरा घर अंधेरा में, इसके घर में लाइट जल रहा है. ठीक है, द कार मूव डाउन द एम्प्टी रिवर बेड स्ट्रीट्स एंड ऑफ वे अवे. और गाड़ी रस्ते से होते हुए निकल गई, लीविंग द एम्प्टी स्ट्रीट्स विद द एम्प्टी साइडवॉक्स विद नो साउंड नो मोशन ऑल द रेस्ट ऑफ द चिल नवंबर नाइट. और गाड़ी अंधेरे से निकल गई, कोई आवाज नहीं, कोई कुछ नहीं, एकदम सन्नाटा. और उसको कहां लेकर गए, पागल खाने लेकर गए. बोला ये आदमी समाज के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है. ठीक है, तो ये स्टोरी हम लोग को ये बताता है कि आने वाला टाइम ऐसा हो जाएगा जैसे हम लोगों ने पढ़ा था पेज नंबर 159 में. ठीक है, क्या पढ़ा था हमने, वेयर इवन गोइंग फॉर अ वॉक इज सीन एज एन एबरेशन. एबरेशन माने नॉट टिपिकल और कॉमन. ठीक है, और मीट को क्यों पिकअप कर लिया उन्होंने, बिकॉज दे कंसिडर्ड हिम रेग्रेसिव टू सोसाइटी. ही वॉज डूइंग समथिंग विच इज नॉट एक्सेप्टेड इन द सोसाइटी. समझ में आ गया बात को. सो दिस इज अ स्टोरी द पेडिस्ट्रियन. कैसा लगा तुम लोगों को स्टोरी. स्कैरी काइंड ऑफ. वुड यू लाइक टू लिव इन दिस काइंड ऑफ अ वर्ल्ड. नहीं ना, बिल्कुल नहीं. लेकिन ये हमारा फ्यूचर हो सकता है. जैसे हम तुम लोग को बोल रहा हूँ, आस्ते आस्ते हम लोग इतना ज्यादा मैकेनाइज्ड हो रहे हैं. ठीक है, इसका ना वैसे ऑब्वियसली इट्स लिटिल बिट स्केरी.
और अभी मैं कुछ दूसरा व्यू पॉइंट दूंगा नहीं, वरना तुम लोग का ये चैप्टर समझने में प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन तुम देखो जिस प्रकार से हम लोग अपने डिवाइसेस में हर वक्त लगे हुए रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है कि हम लोग का सोशलाइजिंग है ना। देखो ये टॉपिक तो आजकल चलता ही है ना कि आपके फ्रेंड्स आजकल माने सोशल नेटवर्क में ज्यादा फ्रेंड्स हैं कि रियल लाइफ में ज्यादा फ्रेंड्स हैं, है ना। ये सब तो आजकल चलता रहता है डिबेट कि सोशल लाइफ के जो फ्रेंड्स होते हैं वो आपके कोई काम नहीं आते, रियल फ्रेंड्स आपके काम आते हैं, बट वी डोंट हैव टाइम फॉर द रियल फ्रेंड्स, दिस एंड दैट जो चलता रहता है। तो ऐसा हो भी सकता है। ओके सो दिस इज द स्टोरी द पेडिस्ट्रियन, इसका क्वेश्चन आंसर मैंने तुम लोगों को दे दिया है, ठीक है। और अगर किसी को चाहिए तो वो लोग क्या नाम है क्लास अपने बैकबेंचर्स एकेडमी का ऐप भी है, वहां से भी क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं, वहां पर मिल सकता है। इस वीडियो को एंजॉय करो, ठीक से पढ़ो, समझो, अच्छा मार्क्स स्कोर करो। चलो ठीक है, बाय जूलियन मधुर, आई विल सी यू टुमारो, बाय बाय।